सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम लोग 47वें श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे थे, जिसका नाम कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूमा ते संगस्त्वत्कर्माणि। ये श्लोक हरेक व्यक्ति के जीवन में सुख की परिभाषा और दुख की परिभाषा, प्राप्ति में सुख होता है और वियोग में दुख होता है। हम लोग संसार के वस्तुओं के ऊपर प्राप्ति और वियोग का आधार मन का स्वरूप माना जाता है। संसार में जो जो आपने संकल्प किए प्राप्त हुआ, सुख प्राप्ति हुई, और उसके विपरीत हो गया तो दुख प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन का मूल तत्व हमारा कर्म का आधार बताया, और कर्म का जब आधार, जो भी कर्म है, 84 लाख योनियों में हर एक व्यक्ति अपने कर्मानुसार कर्म करता है, और सुख दुख की परिभाषा मनुष्यों को ही प्राप्त होती है, ये जानवरों को नहीं होती है। 84 लाख योनि में किसी भी योनि में चले जाओ, वो अपने कर्म करते हैं। जैसा बैल 8 घंटे खेती में काम करने के बाद मालिक खिलाए या न खिलाए, वो कभी मांगता नहीं है, छोड़ते ही अपना ग्रास चर लेता है, पेट भर लेता है, घर आ जाता है। पुनरपि दूसरे दिन सुबह उठते ही मालिक ने उठाया, ले गया, चलाया, फिर वापिस छोड़ दिया। ये उसका कर्म 100% है। मनुष्य को भी यही करना चाहिए कि कर्म में संदेह, ये विफलता का एक लक्षण है। और कर्म में विफलता, जैसा एक खिलाड़ी रिंग में खेलते समय अगर अपना 100% नहीं दे और पहले ही सोच ले कि नहीं मुझे ये जीतना है, वो जीतना है, वो करना है, वैसा करना है, और उसमें विफलता हो जाती है, तो दुखी हो जाता है। भाई पहले अगर तैयारी हो जाए उसकी बहुत अच्छे से, और अच्छे से तैयारी करने के बाद उसमें अगर उसमें 100% देने के बाद भी हार जाता है, उसको उसके दुख मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं है और बिना तैयारी के अगर कोई काम करता है तो उसके लिए दुख, एक पहले से ही दुख है, होते समय भी दुख है और होने के बाद भी दुख है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन अपने कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। जो भी अपने जीवन में कर्म दिया है, उस कर्म को पूर्ण रूपेण, जिसको कहते हैं डिवोटी होकर, और डिवोटी होकर अगर आप 100% देकर अपना काम करता है, उस समय अपने कर्म के बुद्धि रूपी और मंद रूपी अंतकरण के ऊपर पर्दा डालकर अपने विवेकता के साथ में वही कर्म करना, यह हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ फल का है। और कर्म करते समय अगर आप अपने आप को पूर्ण रूपे न समर्पित कर दो तो वो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए अर्जुन युद्ध हारेगा या जीतेगा, मरेगा या मारेगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी वर्तमान में तुझे युद्ध में खड़ा होकर अपना काम और कर्म करना, यही तेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। बाद में 18 दिन के बाद 18 दिन का युद्ध है वो होगा, उसके बाद में 10-15 दिन के बाद निर्णय होगा कि पांडव हार रहे या कौरव हार रहे, ये बात की बात है। अभी युद्ध की शुरुआत तो कर। इसी तरह से हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन में अपने कर्म की शुरुआत करना चाहिए, और शुरुआत करते समय, शुरुआत करने से पहले अगर वो भयभीत हो जाए तो वो एक विफलता का और दुख का और पश्चाताप का एक कारण बताया। शुरू करने के बाद उसका परिणाम दुष्परिणाम क्या आता है वो बात की बात है। इसी तरह से हर एक जीवात्मा के लिए कहा कि परमात्मा ईश्वर ने अब फल तो प्रदान करेगा। कई जगह पे अपने जीवन में जो भी कर्म है, उस कर्म रूपी धर्म का पालन करते हुए, अपनी वही पूजा समझकर उसमें समर्पण करते हुए, फल उसका मिले न मिले इसके प्रति बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं, चिंतन करे, ये इस श्लोक का मूल अर्थ है। आगे कहते हैं 48वें श्लोक में, योगस्त कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब योग मतलब शरीर का योग नहीं है, 84 आसन नहीं है आपको। अगर योग हम लोग आए हैं, आप युद्ध में खड़े हो, ये आपके लिए योग है, ये सबसे बड़ा योग है। आप मंदिर में खड़े हो, आपके लिए सबसे बड़ा योग है। आप व्यापार के लिए दुकान में खड़े हो, ये आपके लिए सबसे बड़ा योग है। विद्यार्थी के लिए किताब लेकर पढ़ रहे हो, ये उसके लिए सबसे बड़ा योग है। अब जहां जो जो दायित्व आज 800 करोड़ लोग जो भी अपने अपने जीवन के ऊपर जिस अवस्था में खड़ा है उसके लिए वो योग बताया है। अब एक किचन में कोई महिला भोजन बनाते समय वो उसके लिए योग है, उसके लिए उस पूर्ण रूपेण कर्म करती है तो उसके लिए भी वो एक योग बताया है। चाहे बाल्यावस्था में जाओ, तारुण्य अवस्था में जाओ या वृद्ध अवस्था में चले जाओ, हरेक व्यक्ति के लिए अपने योग बताए हैं। खाली ध्यान आंखें बंद मूंद कर आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करना, ये संतों के लिए एक योग है। मंदिर में पूजा करते हुए उसमें एकात्म भाव से बैठना, ये उसके लिए योग है। तो हरेक व्यक्ति के लिए अपने जो जिस वस्तु में जिस क्षेत्र में अपना अपने कदम रखा है उसके लिए अपने जीवन में सबसे बड़ा योग बताया है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन उसको मन लगाकर करो। क्या कहा? कर्माणि संगे त्यक्त्वा धनंजया सिद्धये सिद्धयो समो। उसका क्या कारण हो सकता है कि हमारे जीवन में कर्म करने से पहले हम लोग दुखी होते? सिद्ध होना, अब सिद्ध होना एक साधक रहता है तो कर्म की सिद्धता प्राप्त करना भी एक सिद्धि है। आज रोज आपके सामने रोज एक एक कर्म आकर खड़े होते हैं और उस कर्म की पूर्णता प्राप्त करना, संपूर्णता प्राप्त करना और उसमें सिद्धता प्राप्त करना, सिद्धस्तता। जैसे पहले दिन आप गाड़ी चलाते हो तो ये आपके कर्म है, थोड़े दिन तक चलाते हुए चलोगे तो वो उसके लिए अपने जीवन में साधन है, साधना है। और उसमें पूर्ण रूपेण चलाते हुए किसी प्रकार से आपके मन में भय नहीं रखना, हरेक किसी भी शहर में आप गाड़ी चलाते हो, ये उसके लिए सिद्धता बताइए। परमात्मा ने कहा सिद्ध है सिद्धयो समो भूत्वा। अर्जुन अपने जीवन में इन सभी अवस्था में न रहते हुए अपने जीवन का एक एक शब्द योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपके जीवन में अपनी शुरुआत, उसका मध्यान्ह और उसकी पूर्णता। हम लोग अभी 100, 200, 500 किलोमीटर चलते हैं तो भाई आप पूरे रास्ते में एक मिनट में तो वो रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। आज पांडवों को भी विजय प्राप्त करने के लिए 18 दिन सुबह से लेकर शाम तक सूर्यास्त तक युद्ध करते थे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन इन सभी अवस्था में न चलकर तेरा काम है कि अपने सिद्धता प्राप्त करने के लिए सारे त्यक्त्वा धनंजया कर्माणि संग त्यक्त्वा, अपने तो अपने कर्म की संग जो सानिध्य है उसका छोड़ना मत। कई लोग क्या करते हैं, ये नहीं हुआ तो इसको पकड़ लो, ये नहीं हुआ तो उसको पकड़ लो, वो नहीं हुआ तो उसको पकड़ लो। कई विद्यार्थी अपना सब्जेक्ट बदलते हैं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। नहीं, जो आपने लिया है उसी क्षेत्र में समझने का प्रयत्न करते हुए उसमें सिद्धता प्राप्त करना, ये आपके लिए योग बताया। उसका त्यक्त्वा, भगवान ने कहा उसका त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यापार में हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम लोग अगर देखते हैं कई लोगों के बड़े बड़े बिजनेसमैन के आप अपने शुरुआत के समय के अगर उनके जीवन का हिस्ट्री इतिहास देखे तो भय लेकर फिर भी उन्होंने अपने कर्म नहीं छोड़ा, अपने करते गए, आज जाकर वो इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए। किसी भी व्यक्ति की सक्सेसफुल लाइफ के पीछे अगर आप देखते जाओ तो उसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव, प्राप्ति, वियोग, मान अपमान प्राप्त होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके अपने कर्मों को न छोड़कर उसमें ही निरंतर बने रहे तब जाकर उसके जीवन में उसकी सिद्धता प्राप्त हुई। भगवान यही कहते कि अर्जुन सिद्धया सिद्धयो समो, उसमें समभाव के साथ भूतवा समत्व में योग उच्यते, उसमें समानताएं प्राप्त हो जाए। आपको अपने कर्म करते समय अपमान भी प्राप्त होगा, आपको कर्म करते समय सम्मान भी प्राप्त होगा,
आपको कर्म करते समय धन प्राप्ति होगी, आपको कर्म करते समय आपके धन का विनाश भी हो सकता है, लेकिन उसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उसमें ही लगे रहना। ये भगवान कहते कि समत्वम योग उच्चते, ये इसको भी एक योग का है। योग शरीर का योग, मन का योग, बुद्धि का योग, आत्मा का योग, मैंने कई बार आपको बताया। लेकिन इस अवस्था में अगर आप जीवन में आ जाए तो उसमें कितने भी खराब से खराब स्थिति में भी आ जाए तो उस परमात्मा को समर्पित करते हुए चलना। आपने अपने जीवन में कोई भी कर्म करो, चाहे असफलता हो गई तो परमात्मा को अर्जुन ने यही कहा, अर्जुन ने यही किया, तो भगवान ने उनको यह बताया कि अर्जुन इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, सभी के सभी, और अपने बुद्धि में हरेक कर्म में, मान में, अपमान में, सम्मान में, प्राप्ति में, वियोग में, अपने बुद्धि की समानताएं रखना। जब आपके बुद्धि में सारी समानताएं उत्पन्न हो जाए, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि संसार में आपके बालकों के साथ आप खेलते कूदते समय कई प्रकार का मान अपमान सहना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप प्रेम के साथ, क्योंकि उसके साथ आपकी बुद्धि की अधिकता है और संसार में आपकी बुद्धि की लघुता है, इसलिए वो कर्म स्वीकार करने की तैयारी नहीं होती। अगर आपकी बुद्धि की अगर विवेकता प्राप्त हो जाए तो आपको संसार की किसी भी अवस्था में कर्म करते समय, अब एक बताऊं, संत एकनाथ महाराज का एक दृष्टांत आता है। संत एकनाथ महाराज को क्रोध दिलाने के लिए वहां के कुछ यवनों ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और कहा कि नहीं, इनके ऊपर नियुक्त और इनको क्रोध दिलवा। एक दिन संत एकनाथ महाराज की पत्नी झाड़ू लगा रही और वो यवन संत एकनाथ महाराज के पत्नी के पीठ के ऊपर जाकर बैठ गया, इसके कारण क्रोध आएगा। तो संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि उनके पत्नी को, देखना तेरा बेटा तेरे पीठ के ऊपर बैठा है, झाड़ू लगाते समय कहीं गिर नहीं जाए। उनकी पत्नी कितनी अच्छी पतिव्रता धर्म करते, वो कहते महाराज आप चिंता मत करिए, मुझे अपने बच्चों को पीठ कर ऊपर रख कर झाड़ू लगाने की आदत है। कितनी समानताएं हो गई, हरेक अवस्था में अपने जीवन में उतनी समानताएं प्राप्त करना, ये भी एक योग बताया। परमात्मा आपके बुद्धि की परीक्षण कराता है, आप उसमें बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, घबराहट प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, घबराहट में रहने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, निर्भय होकर आप चलो। ये परमात्मा ने अर्जुन से कहा, और अर्जुन जब आप अपनी निर्भयता के साथ वो कर्म करोगे तो समझना कि एक ना एक दिन सफलता आपके चरणों में आकर बैठेगी, ये मेरा निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मैं तुझे कहता हूं। ये 47वें 48वें श्लोक में, और कहते हैं कि 49वां श्लोक आता है, दुरे न एवर कर्म बुद्धि योगात भवंजन बुद्धो शरणम न विच्छ कृपना फल हेतवा बुद्धि युक्तो जहातीत उबे सुकृत दुष्कृते तस्याद्दुगायुज्जस्व योगा कर्मेशु कौशलम। कितनी अच्छी बात कही, चित्त का समत्व ही योग का सार है। मैंने कहा चित्त की चार प्रकार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, परमात्मा ने कहा ये कभी कभी आपको डावाडोल करते हैं, संसार के प्राप्ति योग के ऊपर आपको अपने बुद्धि को हिला देते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन दुरेन रवरम कर्म बुद्धि योगा धनम जया बुद्धो शरणम विच्छ कृपना फल हेतवा। अर्जुन अपने जीवन में इस तरह की विषमता मत रखना, और जब बुद्धि योग के विषय में सोचा जाए तब दृष्टिगोचर होने लगता है कि कर्मकांड उसमें बहुत छोटी दर्जा है, कर्म का इस कई कई जगह पे लघुता आ जाती है। आप जैसे अब जिसके पास भिखारी के पास एक रुपया नहीं है, उसको अगर 100 रुपया मिल गया तो उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद 1 लाख रुपए हो जाए तो उसके लिए भी वो लघु हो जाता है, उससे 10 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, या किसी भी प्रकार से कई भी, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है ऐसी ऐसी उसकी बौद्धिक धरातल की विशालता बढ़ती है। उसके लिए जो 1 रुपया के लिए तड़सता था, वो उसके लिए जब 100 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए भी अगर वो खर्चा करे तो उसके लिए वो कुछ लगता नहीं है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि अर्जुन इन सभी कर्म अपने आप में बहुत लघुता, और उसमें कर्मकांड भी बहुत छोटा माना गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कोई व्यक्ति
अगर कोई बड़े व्यक्ति किसी भिखारी की चर्चा करे और उसके ऊपर निंदा करे तो कितना दर्द छोटा हल्कापन लगता है। भगवान भी यही कहते हैं कि अर्जुन जब आपकी बुद्धि योग में चित्त में स्थिर हो जाओगे तब फिर उसके लिए कर्म भी बहुत कर्म कांड भी पूजा पाठ योग ध्यान धारणा उसके लिए बहुत छोटी हो जाती है। उसके लिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने जीवन में जो दायित्व दिया है उस दायित्व को पूर्ण रूपे न समर्पित करना ये उसका कर्तव्य कर्म समझते हैं। इसलिए बुद्धि योग जहां तीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्या दुगाय योजसो योगा कर्मेशु कौशलम। अर्जुन फल का स्वाद छोड़कर आप नौकरी करते हो तो नौकरी करते समय रोज सुबह से लेकर शाम तक महीने भर में तनख्वाह मिलेगी महीने भर में तनख्वाह मिलेगी इसका चिंतन थोड़ी करते हो। एक दिन की छुट्टी भी लेते हो तो उसको डिजायर देना पड़ता है कि मैं आज नहीं आ सकता और आपको कटाप हो जाता है। भगवान ने यही कहा कि अर्जुन अपने जीवन में फल का त्याग न करते हुए आज वो 30 दिन तक जब नौकरी करने के बाद 31वें दिन में और महीने के हर एक तारीख को उसको पैसा प्राप्त होता है तो हर एक क्षण उसके पैसे का ध्यान नहीं रहता है लेकिन उसको ये भय रहता है कि नहीं जाऊंगा तो ये होगा नहीं जाऊंगा तो सांप चिढ़ेगा। और आपके कर्म में अगर श्रेष्ठता होगी तो अपने आप ही उसकी प्रशंसा और अपने आप ही उसकी प्राप्ति होगी। यही परमात्मा ने कहा कि अर्जुन इन सभी का त्याग करके जो व्यक्ति बुद्धि योग में प्रवृत्त हो जाता है इस संसार में फिर उसके लिए पाप या पुण्य का बाधा नहीं रहती है। पाप और पुण्य किसको कहे? पाप पुण्य का हम लोग सोचते हैं कि ये करो तो वो पुण्य हो जाएगा ये करो तो ये पाप होगा ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। पाप के विनाश के लिए कई फल बताए जैसा मैं कई बार कहता हूं। एक सन्यासी थे ध्यानमग्न थे और एक सेवक को लगा उनके शरीर फट गया था। सेवक को लगा कि आज इसका अगर मैं तेल लगाऊं तो इसका शरीर मुलायम हो जाएगा। उसको दया आ गई उसको तेल लेकर आया और उसके शरीर को तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद उसको कुछ एक समय के लिए तो आराम लगा लेकिन उस तेल के सुगंध से उसके सारे शरीर में चिटिया लग गई। क्या मानोगे आप उसको पुण्य मानोगे या पाप मानोगे? और आगे दो चार बच्चे खिल्लिया उड़ाते हुए गन्ना चूसते हुए उसी के पास आए और कहते बड़ा ढोंगी है बड़ा नाटक करा है आग बंद करके बैठा है। वो जो गन्ना खा कर उसके ऊपर थूके वह उसके सुगंध से चिटिया सारी की सारी उसके शरीर की उस गन्ने के ऊपर आ गई। अब आप इसको क्या कहेंगे पुण्य है या पाप है? आप मंदिर में जाने से आपको पुण्य मिलेगा मंत्र जाप करने से आपको पुण्य मिलेगा तीर्थ यात्रा करने से आपको पुण्य मिलेगा किसी के लिए साथ के साथ में ये कहते भगवान कहते कि ये जगत में परोपकार थे पुण्य परपीड़ा थे पाप। आपके जीवन में अपने कर्मों के साथ समर्पण भाव के साथ रहना ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। और अपने कर्म की विशेषता और अपने कर्म की जिस तरह से एक आर्ट होता है एक आर्टिस्ट बहुत सुंदर चित्र बनाता है ये उसके लिए योग बताया। भगवान क्या कहते हैं कि योगस्य कर्म कौशलम। अपने कर्म की पूर्ण सुरक्षित दृष्टि से एक फैक्ट्री गाड़ी बड़ी सुंदर बनाता है एक आर्टिस्ट एक लकड़ी का कारपेंटर बहुत सुंदर बनाता है एक कुमार उसके लिए बहुत अच्छा मटका बनाता है जितने भी हम सुंदर सुंदर एक विश्वकर्मा एक बहुत अच्छा मकान बनाता है। हर एक व्यक्ति के लिए वो पूर्ण रूपे न समर्पित भाव के साथ एक मुझे दृष्टांत याद आया समय साथ नहीं दे रहा है लेकिन एक लोहार था और लोहार अपने लोहे को सामान बनाते हुए अच्छी तरीके से और उस समय राजा की सवारी निकल गई और सवारी निकलने के बाद भी वो बहुत दूर जाते हुए कई लोग कहते कि अरे तुझे पता नहीं बोले नहीं इतना ढोल ढमाके साथ में तुझे बजाते हुए भी आवाज नहीं आई बोले मैं अपने कर्म में इतना संलग्न था इतना मन लगा हुआ था कि मुझे राजा की सवारी निकलने के बाद भी मुझे ध्यान नहीं रहा। ये उसके योग अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूपे न समर्पण के साथ ये उसके लिए योगस्य कर्म कौशलम ये उसकी कुशलता बताइए। श्रोताओ अपने जीवन में जो आपके कर्म आप करते हो उसके कर्म के प्रति किस तरह से सुंदर बनाया जाए उसको किस तरह से आकर्षित बनाया जाए उसको कैसा सौंदर्य जैसा आप चेहरे को निखारते समय
आप अपने आप को कैसा सुंदर दिखाने के लिए काम करते हो, या कोई भी हरेक प्रकार का एक मंदिर बनाता है तो मंदिर बनाते समय, या आपकी विद्या एक संगीतकार संगीत गायन करता है तो उसको किस तरह से समाज को प्रभावित करते हो, या एक प्रवचनकार उस समाज के लिए किस तरह का प्रवचन करते हुए समाज स्वीकार करे उसके लिए वो अपना, ये उसके लिए आर्ट है, उसका ये उसका सौभाग्य माना है। और जो अपने कर्म में पूर्ण रूप से समर्पित होता है ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया है, ये उसकी कार्यशाली बताए, वो उसका कला बताइए। जैसा कोई नृत्य एक अपनी कला करता है, नृत्य करता है तो आपको लगता है बड़ा एक आर्टिस्ट एक पिक्चर में काम करता है, उसका आर्ट बड़ा अच्छा सुंदर लगता है। इसलिए श्रोताओं अपने कर्म की कुशलता प्राप्त करना ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ ध्यान धारणा उपासना, जब तब उसके सामने गौन बताइए, कर्मकांड भी गौन बताइए। आज का विषय यहीं समाप्त करते आइए, कल अपन उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।